विश्वास श्रृंखला हमारे इस चैनल पर फिर से आपका स्वागत करता हूं। अब तक मैंने आपको वैलेंसी पार्ट वन के अंदर जितना पढ़ाया है, अब मैं आपको बताने वाला हूं वैलेंसी पार्ट टू के अंदर हाइड्रोजन से आगे की बात। ओके फ्रेंड्स, तो आप बिल्कुल तैयार हो जाएं। ध्यान रखना, हमेशा कहता हूं नोट करने की जरूरत नहीं है, व्हाट्सएप नंबर चल रहे हैं, इसके अंदर आप मैसेज करके नोट्स ले सकते हैं, पीडीएफ नोट्स। और स्टूडेंट्स ने, बच्चों ने मेरे से वाकायदा नोट्स लिए भी हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा है, वो पढ़ाई कर रहे हैं। इसी खुशी के साथ मैं वीडियो बना रहा हूं आप लोगों के लिए। बहुत बढ़िया तैयारी कर रहे हैं आप, ठीक है, चलते हैं हम आगे। ओके स्टूडेंट्स, अभी तक अपना टॉपिक कौन सा चल रहा है? वैलेंसी। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ये वैलेंसी टॉपिक, इस टॉपिक के अंदर मैं कई सारी चीजें खत्म कर चुका होता हूं, बहुत अच्छा कर लेंगे हम तैयार। वैलेंसी में सिखा दूंगा लगभग सारी चीजें, चिंता मत करो आप, बहुत बढ़िया टॉपिक तैयार करेंगे, चिंता मत करो। तो स्टूडेंट, सेकंड नंबर पे मैं लेने जा रहा हूं किसकी बात? हीलियम की बात। इससे पहले अपन ने क्या बात की है? हाइड्रोजन की बात की थी। उसके अंदर प्रोटॉन कितने थे, इलेक्ट्रॉन कितने थे, ये सब बातें की थी। हीलियम की बात शुरू कर रहा हूं। दूसरे नंबर पे आता है हीलियम। हीलियम के अंदर प्रोटॉन कितने होंगे? दो। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? दो। जो जितने नंबर पर आता है उसके पास उतने ही प्रोटॉन और उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये मैं आपको सिखा चुका हूं। ओके, तो हीलियम दो नंबर पे आता है, दो प्रोटॉन है इसके पास, दो इलेक्ट्रॉन है। तो मैं थोड़ा नजारा दिखा दूं इसके परमाणु का, एटम का। देखिए बीच में नाभिक है, इसमें मैंने दो इलेक्ट्रॉन ऐसे लिख दिए हैं। ओके फ्रेंड्स, क्या इसका पहला कोश ही बाह्यतम कोश है? हाँ। फर्स्ट शेल इज आउटर मोस्ट शेल, यस स्टूडेंट्स। तो पहला कोश बाह्यतम कोश हो तो उसमें अधिकतम कितने भरे जा सकते हैं? दो। यानी डुप्लेट कंप्लीट करना होता है, द्विक पूरा करना होता है। द्विक पहले से ही पूरा है, इसलिए नो टेंशन, इसकी वैलेंसी सही हो सकता जीरो, शून्य सही हो सकता है ही नहीं, ध्यान रखना। फिर तीसरे नंबर पे मैं बात करने जा रहा हूं स्टूडेंट्स लिथियम की। प्रोटॉन तीन, इलेक्ट्रॉन भी तीन, नजारा बना लेते हैं नाभिक तीन। पहले कोश में अधिकतम कितने आ सकते हैं? दो, टू। तो फिर तीन गलत है, तो क्या करें? पहले में केवल कितने? दो। तो फिर अगला इलेक्ट्रॉन अगले कोश में जाए, ध्यान रखना इस बात का। तो दो और एक लिख दिया सर। अब इसका दूसरा कोष, ये पहला कोष, ये दूसरा कोष, दूसरा कोष बाह्यतम कोष है, क्या इसमें दो से बात बन जाएगी? नहीं। इसमें आज क्या पूरा करना पड़ेगा? अष्टक पूरा करना पड़ेगा। और अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है? सात इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है। और सात इलेक्ट्रॉन तो कोई देता नहीं है, ढुल्लू मिलेगा, तो क्या करें? इसका मतलब मजबूरन बेचारे को सात इलेक्ट्रॉन तो इसको कोई दे नहीं सकता कि अष्टक पूरा कर ले। एक मिनट, कई बच्चे ये सोचते हैं, कई बच्चे इस बात की डेफिनेशन बोलते हैं, क्या किसी सही हो सकता? पता है क्या होती है? बाह्यतम कोष को, बाह्यतम कोष में अष्टक पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है, नीड होती है, वो संयोजकता होती है। गलत बात है। देखो लिथियम की संयोजकता इस हिसाब से कितनी हो जानी चाहिए थी? सात। सात, सात तो कोई देता नहीं है, तो फिर गड़बड़ बात है। इसलिए आप आवश्यकता वर्ड पर नहीं जाना, हमेशा मैंने आपको समझाया है बाह्यतम कोष में अष्टक पूरा करने के लिए वो जितने इलेक्ट्रॉनों का लेन देन या साझा करता है, जो काम करेगा ना, वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? संयोजकता। देखते हैं ये क्या कर रहा है, वापस ध्यान से सुने। लिथियम के पास प्रोटॉन तीन, इलेक्ट्रॉन तीन, पहले कोष में दो, दूसरे कोष में एक इलेक्ट्रॉन। ओके, दूसरा कोष बाह्यतम कोष है, हाँ सर। सेकंड सेल इज आउटर मोस्ट सेल, यस सर। कितने इलेक्ट्रॉन है? वन। सात तो कोई देगा नहीं कि अष्टक पूरा हो जाए, तो बेचारा क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। एक इलेक्ट्रॉन निकालने से क्या होगा देखना जरा, क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन अगर ये निकाल दे तो क्या होगा? पहला कोष ही बाह्यतम कोष रह जाएगा, उसमें कितने करने होते हैं? दो। दो पूरे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आई थिंक, ध्यान रखना। ओके, तो देखते हैं अपन ने क्या देखा कि ये गिव करना पसंद करता है, देन करना पसंद करता है। कितने इलेक्ट्रॉन? एक। अगर कोई
एक इलेक्ट्रॉन का गिव करता है, देन करता है, तो उस पर आवेश यानी चार्ज क्या आएगा? प्लस वन। ओके स्टूडेंट्स, और एक बात जो लेवल की बात है, अच्छे लेवल की बात है, वो मैं आपको जरूर सिखाना चाहूंगा। मासूम मासूम बच्चे को तो यही बताया जाता है, बेटा देख एक इलेक्ट्रॉन का देन कर देगा ये, है ना। गंभीर बात क्या है? लिथियम की समस्या है। आगे आप एस ब्लॉक एलिमेंट जब पढ़ाऊंगा तो उसमें मालूम चलेगा आपको कि लिथियम छोटा आकार होने के कारण एक इलेक्ट्रॉन का देन बहुत मुश्किल से करता है। तो फिर क्या करेगा बेचारा को मजबूरन क्या करना पड़ता है? साझा। ये जो भी अपवादों की बात है मैं वो बाद में करूंगा, ध्यान रखना। लेकिन मैं बताया क्या है, बीच में क्यों बता दिया ये बात कि अपवाद स्वरूप साझा करता है? क्योंकि फ्रेंड्स कई महाज्ञानी इसी चीज का वेट कर रहे थे। सर देखो कितनी नॉर्मल बात बता रहे हैं, ये गिव वन करता है, ये तो ऐसा है जो गिव वन जल्दी करता ही नहीं है, मुझे सब मालूम है। ये मैंने बताया ना, जीरो से जीरो की सारी बातें करनी है, आराम से मैं आपको टॉप तक ले जाऊंगा। ओके तैयार है? तो मैंने क्या सिखाया, लिथियम के पास प्रोटोन तीन, इलेक्ट्रॉन तीन, पहले को उसमें दो, दूसरे में एक, एक इलेक्ट्रॉन का देन करता है सामान्य सीखने के लिए, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन का देन करेगा तो पहला कोश आयतन कोश रह जाएगा, लिथियम पर आवेश क्या आएगा? प्लस एक। ये बिल्कुल सिंपल। अगर बात करने जा रहे हैं किसकी, चौथे नंबर पे बेरिलियम की। ओके तो बेरिलियम की बात अगर करेंगे, देखो आपको पढ़ाते पढ़ाते हमें कितने लोग परेशान करते हैं मालूम है? लोग छोड़ो, मक्खी भी साथ में चल रही है, उड़ाने का टाइम नहीं है अपने पास, उड़ती रहेगी अपने आप। तो चौथे नंबर पे कौन आ रहा है? बेरिलियम। बेरिलियम के पास कितने प्रोटॉन? चार। इलेक्ट्रॉन कितने? चार। ठीक है, इसको ऐसे लिख दो सिंपल तरीके से, पहले कोश में कितने? दो। दूसरे कोश में कितने? दो। ठीक, दूसरा कोश बाह्यतम कोश है, सेकंड सेल इज आउटर मोस्ट सेल। आज फिर अष्टक पूरा करना पड़ेगा, दो से बात चलेगी नहीं तो क्या करें सर? छह तो कोई निकाल कर देगा नहीं इसको, इसका मतलब इसको दो इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे, यानी ये देन करेगा, गिव करेगा, कितने इलेक्ट्रॉन्स का? दो का। बेरिलियम पर चार्ज क्या आएगा, आवेश कितना आएगा? दो। स्टूडेंट्स इसके साथ भी वही सेम बीमारी है, लिथियम के बारे में अपवाद की बात की थी, बेरिलियम के साथ भी अपवाद की बात करूंगा। अपवादों की जो बात है वो अलग से वीडियो में करूंगा ताकि आपको अलग से सीखने को अच्छा मिले। स्टूडेंट्स बीच में कचरा नहीं करूंगा। फिफ्थ नंबर पे कौन आता है? फिफ्थ नंबर पे कौन आता है? बोरोन। पांच 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 प्रोटॉन, पांच इलेक्ट्रॉन, दो कॉमा तीन, यानी पहले कोश में दो, दूसरे कोश में तीन। ठीक है, तो पांच तो कोई निकाल कर देने वाला नहीं है, तो बेचारा गिव कर देगा तीन का, तो इस पर बोरोन पर क्या आ जाएगा? प्लस तीन। जितनी बीमारी लिथियम के पास नहीं थी, बेरिलियम के पास नहीं थी, उससे कहीं ज्यादा बीमारी है बोरोन के पास। दिखने में तो ऐसा सच में लगता है, नॉर्मल बात भी यही है कि ये गिव तीन करता है, देन तीन करता है और स्थाई हो जाता है, ऐसा नहीं है। इसके साथ जो बीमारी है वो भी मैं आपसे डिस्कशन करूंगा बाद में। आप सामान्य नॉर्मल बात अभी सीख सकते हैं, गिव तीन करेगा तो बोरोन पर क्या आ जाएगा? प्लस तीन। इसकी भी साझे की समस्या चलती है, वो मैं डिस्कशन कर लूंगा। ओके तो अब मैं आगे बात करने वाला हूँ बोरोन के बाद कार्बन के अंदर। कार्बन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका मैं डिस्कशन आपसे करने वाला हूं, ध्यान दें। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको भी बताया कि अपन ने बोरोन तक बात कर ली है, मैं बात करने वाला हूं कार्बन की। छह नंबर पे कौन आता है? कार्बन। इसके पास प्रोटॉन कितने होते हैं? छह। इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? छह। और इसके लिए मैं क्या लिखूं? दो कॉमा चार। पहले कोश में दो इलेक्ट्रॉन और दूसरे कोश में चार। ठीक है, तो देखना मैं क्या कर रहा हूं, बिल्कुल छोटे छोटे अक्षरों में लिखूंगा गिव फोर। ये देखो मक्खी फिर आ गई, उड़ जा। मैं गिव फोर, स्टूडेंट्स क्या बताया मैंने, ये गिव भी कर सकता है फोर का, लेकिन बहुत कम चांसेस में, इसलिए मैंने छोटा सा लिखा है। दूसरा ऑप्शन इसके पास क्या है? ये टेक कर सकता है, टेक कितने का? फोर का। छोटा छोटा लिख रहा हूं क्यों? बहुत कम चांसेस पे ऐसा होता है, लेकिन इसको अच्छा क्या लगता है? इसको अच्छा लगता है शेयर करना, कितने का? चार इलेक्ट्रॉन्स का शेयर करना। इसका एग्जांपल मैं लेने वाला हूं आपके सामने, एग्जांपल एग्जांपल ऑफ कौन सी गैस, नाम सुना होगा मीथेन, मैथेन गैस। ओके साझे को समझाने के लिए मैथेन गैस का उदाहरण लिया। तीन चीजें मैं चाहता हूं कि आपको सीखने को यहीं पर मिल जाए, एक तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, अणु सूत्र,
फिर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, फिर कौन सी चीज है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला संरचना सूत्र। तो कैसे पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मीथेन गैस का, अणु सूत्र क्या होता है मीथेन गैस का बताओ, CH4। बहुत ही आसान सिंपल बात है, कोई दिक्कत नहीं है। कार्बन अपने चार इलेक्ट्रॉन लिए हुए वेट कर रहा है, करता रहा वेट। हाइड्रोजन आ चुका है अपना इलेक्ट्रॉन लिए हुए, हाइड्रोजन आ चुका है इलेक्ट्रॉन लेकर, हाइड्रोजन आ चुका है इलेक्ट्रॉन लेकर, और ये हाइड्रोजन और आ गया इलेक्ट्रॉन लेकर। ओके फ्रेंड्स, तो क्या करें, ये हाइड्रोजन खुश हो गया, देखो क्यों, एक लगाया, एक का एहसास और हो गया। सेम कंडीशन, हाइड्रोजन जितने भी आए हैं वो सारे खुश हैं, वो एक लगा रहे हैं और सामने से एक का एहसास हो रहा है, टोटल कितने हो रहे हैं, दो। हाइड्रोजन सारे खुश हैं, क्या कार्बन भी खुश है, बिल्कुल। 1 2 3 4 लगाए, 1 2 3 4 एहसास एक्स्ट्रा हो रहा है। टोटल इसके पारे में आज कितने आ गए देखो तो, 8। 4 लगाए, 4 आ गए, तो टोटल कितने हो गए, 8। कार्बन बिल्कुल संतुष्ट है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसकी संरचना सूत्र बनाते हैं, सिंगल बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड नहीं है, ध्यान रखना, सिंगल बॉन्ड है, एकल बंध है। तो मैंने क्लियर कर दिया है CH4 की तीनों चीजें, बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना, कार्बन के लिए बात बता दी गई। ओके, अब मैं बात करने जा रहा हूं आपसे नाइट्रोजन की। ओके फ्रेंड्स, नाइट्रोजन के बाद नंबर पे कौन आता है, नाइट्रोजन आता है। 7 नंबर पे कौन आता है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के पास 7 प्रोटॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, इस वैसे लिख सकते 2.5 काय को, पहले कोश, पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, दूसरे में कितने, 5, टोटल हो गए 7। ठीक है, क्या कर सकता है बताओ, क्या कर सकता है, 3 इलेक्ट्रॉनों का लेन कर सकता है, 3 ले लेगा तो 8 हो सकते हैं। तो देखो मैंने ऑप्शन क्या लिखा, ऑप्शन मैंने क्या लिखा, टेक कितने का, 3 का, 3 का टेक कर लेगा तो नाइट्रोजन पर आवेश कितना आएगा, -3। सर -3 है क्या संयोजकता, नहीं बेटा, वैलेंसी कभी भी प्लस माइनस में नहीं होती है, तो इसका चार्ज है। ठीक है, तो संयोजकता कितनी है, 3, याद रखना, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉनों का लेन करेगा। ठीक है, एक और ऑप्शन है इसके पास, ये शेयरिंग कर सकता है, साझा कर सकता है, कितने का, 3 का। आपके लिए मेहनत कितनी करनी पड़ती होगी सोचो, बिना पंखे वीडियो बनाना पड़ता है, मक्खियों को देख लो उड़ते हुए देख पा रहे हो, मक्खियां परेशान करती है, लेकिन आपका सब्सक्राइब बटन नहीं दबता है, देखो दब जाता तो बहुत बढ़िया बात है, लाइक का बटन नहीं दबता है, कई अनलाइक करते हुए घूमते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम अनलाइक में व्यवस्था कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हमें इसमें भी खुशी है। शेयर 3 का कर सकता है, एक और ऑप्शन है, यानी ये लेन भी कर सकता है 3 का, और 3 का शेयर साझा भी कर सकता है। ध्यान सुनना, कैसे ये फिर स्थाई होगा, 3 का साझा करके देखना, किसी के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, 5, 3 लगाएगा साझे में, सामने से कितने फील होंगे, 3, कितने हो गए, 3 और 3 6, 2 इलेक्ट्रॉन तो पड़े हैं ना, देखो 2 इलेक्ट्रॉन पड़े हैं ना साइड में पड़े हैं, ये इलेक्ट्रॉनों का जो जोड़ा है वो साझे में हिस्सा नहीं ले रहा, और इलेक्ट्रॉनों का ऐसा जोड़ा, बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का ऐसा जोड़ा जो साझे में हिस्सा नहीं लेता, लोन पेयर कहलाता है, LP कहलाता है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म कहलाता है। फिर से बता दूंगा, फिलहाल लिख तो लूं, शेयर 3 का करेगा तो LP कितना होगा, 1। क्या मतलब है, फिर से देखना, 5 इलेक्ट्रॉन थे, 3 लगाए साझे में, तो सामने से कितने फील होंगे, 3, 2 तो पड़े ही ना, देखो साइड में 5 थे, 2 साइड में पड़े हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ा कितना, 1, युग्म कितना, 1, पेयर कितना बना, 1, 1 पेयर, इसको ही क्या कहते हैं, लोन पेयर। ओके, साझा करते वक्त बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का ऐसा जोड़ा जो साझे में हिस्सा नहीं लेता, लोन पेयर कहलाता है, LP कहलाता है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म कहलाता है। दैट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल व्हिच
does not take part in partnership or sharing. Okay, friends, तो चलते हैं आगे. Example सीखने जा रहे हैं. मेरे से पढ़ने वाले स्टूडेंट जानते हैं example. कई दिन हो गए हैं लॉकडाउन में example देखे हुए भी. Example of अमोनिया गैस. स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल ऑफ अमोनिया गैस, तीन चीज आप जानते हैं. अपन देखेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, EDS और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, संरचना सूत्र. देखिएगा अमोनिया गैस NH3, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, अणु सूत्र, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखना. नाइट्रोजन के पास कितने थे, 5. तो देखो 1, 2, 3, तीन इलेक्ट्रॉनों का साझा करने के लिए तैयार कर लिए हैं और 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे ही पड़े हैं. इसको मैं कहूंगा LP. तो हाइड्रोजन आ रहा है, आ गया हाइड्रोजन. हाइड्रोजन अपना एक लगा रहा है, खुश हो गया बेचारा. हाइड्रोजन अपना एक लगाया, खुश हो गया बेचारा. हाइड्रोजन अपना एक लगाया, खुश हो गया. नाइट्रोजन ने कितने लगाए, 1, 2, 3. इसके पाड़े में टोटल इलेक्ट्रॉन, कुल इलेक्ट्रॉन कितने हो रहे हैं, 8. गिन लो, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं. ओके फ्रेंड्स, अष्टक पूरा है. संरचना सूत्र बना लेते हैं. बना दिया सर, देखो. अब इसमें क्या करें, ये दिख रहा होगा यहां भी, ये इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा जो है वो लॉन पेयर है, LP है, साझे में हिस्सा नहीं ले रहा है, वही सिंबल. तो नाइट्रोजन तक अपन ने बात कर ली है फ्रेंड्स. अगली बात मैं करने जा रहा हूं आपके सामने, बताओ किसकी, ऑक्सीजन की. नहीं करूंगा, अगले वीडियो में करूंगा, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाए ना वो दिक्कत देता है. मैं चाहता हूं आप इतना तो पढ़े, कम से कम छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे ताकि आप अच्छे से देख पाए, बोर नहीं हो. कोशिश करता हूं आप बोर नहीं हो, वैसे हो तो क्या बिगाड़ लेंगे. लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट कोशिश करें करते रहें. जय हिंद, जय भारत कर दें, मेहनत बहुत कर रहे हैं. थैंक यू. जय हिंद, जय भारत.